मंदिर कुछ अंदर से ऐसे बन रहा है, इधर तो हमारे मेन मजा आ रहा, उधर तो देखो बिजली तक कितनी सारी तस्वीरें लगी हुई भगवान जी की, आ तो दुकान सारी बंद पड़ी। फिलहाल तो मैं हूँ अपनी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे, साइड से पानी बस ओवरफ्लो होने वाला। राम राम जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी से, और आपको और आपकी फैमिली को भी मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान आज कुछ अपशब्द ना निकलवाए मुँह से, समझ रहे ना कैसे वाला सॉरी। और भाई बड़े ब्लॉग में इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि टाइम नहीं लग रहा, बहुत कम टाइम लग रहा, और अभी हमारे घर में काम भी चल रहा कंस्ट्रक्शन का, तुमने देखा होगा। और पापा भी अभी नहा धोकर रेडी हो चुके क्योंकि पापा का भी आज फास्ट है पापा, मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई साहब इनसे मिलो। हाँ बर्ती हो तुम आज? हाँ। अरे नहीं, ये बर्ती नहीं है, झूठ बोल ली मम्मी। तुम बर्ती? हाँ, मैं बर्ती हूँ। तो तुम ऐसे क्यों बैठी जैसे इंटरव्यू दे रही हो? तो भाई जो भी कुछ होगा अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अच्छा तो भाई अभी तो यहाँ पे फिलहाल में ले रहा दूध, और ये है पेड़, और पापा खा रहे लोज और चाय पी रहे। पापा व्रत में चाय नहीं पिया करते। सॉरी, तुम कैसा व्रत रख रहे हो? दूध पिया कर रहे हैं सिर्फ, खाली, वो भी फिक्का ना कि चिन्नी का। तू तो बोली ना, तू तो आज तू बोल रहा बिल्कुल चुप। तू तो क्या नहीं मिला मीठा दूध? भाई मैं तो यहाँ पर ले रखा अभी दूध, और दूध पीऊंगा, और इसके बाद तो कुछ नहीं मिलना है खाने को, शायद फल वगैरह खा सके बस हमें इकट्ठा। अच्छा बिरयानी खा ली? हाँ नहीं, मैं बिरयानी नहीं खाता है व्रत में, ठीक है वैसे तो मैं खाऊं। तो अभी कोई आया बाहर, शायद मिस्त्री आ गया। अभी तो पापा और मैं जा रहे हैं भाई बाजार में, क्योंकि बाजार में से लाना हमें बिजली का सामान, और होपफुली वहाँ पे सब कुछ खुला हुआ मिल जाए, यानी कि दुकान, और अगर सामान मिल गया तो अच्छी बात है, वरना फिर दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। और भाई जिसका डर था वही हुआ, बाजार में आकर के यहाँ पे सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंदी थी, क्योंकि हम सुबह के टाइम जल्दी आ गए थे, बाजार खुलता है 10-11 बजे और हम 9 बजे ही आ गए थे, बट हमें अब लग रहा कि दोबारा से फिर से एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं भाई, यहाँ तो दुकान सारी बंद पड़ी, अब कैसा होगा सामान का। सामान तो मिला नहीं, बट पापा और मैंने सोचा कि श्री कृष्ण जी के लिए, उन्हें सजाने के लिए, उनके लिए फूल ही ले लें, तो यार हमने यहाँ से फूल ले लिए। ये देखो हमारे भगवान जी सच चुके हैं, मतलब भगवान जी को यार कितनी बढ़िया ड्रेस पहना रखी है आज, तो हकीकत में अच्छे लग रहे हैं बहुत ज्यादा, डेली लगे हैं वो तो अच्छे। और मेरे हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी इधर बैठे, और ये छोटी सी नकली गाय, मतलब दिखाने के लिए अब यहाँ से ले आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें है इनके लिए मक्खन, और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स, इनमें मैं है ना पहले यहाँ पे झल्लर लगा लूँ। तो अभी फिलहाल मैंने इनमें लगा दी यहाँ पर झल्लर, और देखो फूल भी लगाया हमने, और थोड़ा कैमरे में तो मेरी डिम डिम सी दिखाई दे रही होगी लाइट, पर ये बिल्कुल स्टेबल है, कैमरे में तो ऐसी दिखाई देगी। और यहाँ पे देखो हमने अपने भगवान जी को बिल्कुल फूलों में ढक दिया, और ये वाले यहाँ पे देखो नन्हे से भगवान जी तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, ये भी फूलों में ढक गए सारे यहाँ। तो भाई अभी हमें जाना है मम्मी को लेकर के मंदिर में, और पापा यहाँ पर केला खा रहे हैं, वैसे ये बरती है कच्चे हैं, केले लाए तो तुम ही होगे ना, कच्चे हैं वाके में। तो भाई केले भी कच्चे आ गए, कोई अब तो खा लियो बाबा, जैसे भी आ गए, अब जैसे भी केले आ गए हो तो खाने पड़ेंगे, फेंक के तो जाने के नहीं। और अभी फिलहाल मैं लेके चलता हूँ मम्मी को मंदिर में, और आप सभी को दिखाऊंगा मंदिर के आगे का। भाई मम्मी और मैं आ चुके हैं भाई यहाँ पर मंदिर में, और मेरे हाथ में केले और थोड़ा सा मतलब दिए बत्ती का सामान, और ये देखो कैसा लग रहा बाहर से बिल्कुल देखने में, सजा हुआ मंदिर, और यहाँ पे मेले के सामान जो मैं बचपन में लेता था, अब भी ले आया मम्मी मेले के सामान। खाओ माँ कसम, भी दर्शन कर लो अपने राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के, और यहाँ पर थोड़ी नॉइज है पीछे है, बट कोई बात नहीं। ये मंदिर कुछ अंदर से ऐसे बन रहा है, इधर तो हमारे मेन मतलब राधा कृष्ण जी हैं, उधर हमारे राम जानकी, और इधर हमारे लक्ष्मी नारायण जी, और इधर शेरावाली माता, और इधर हमारे राधा कृष्ण जी। तो भाई मेले में से भी हमने ले लिया कुछ सामान, जो कि दिखाऊंगा घर जाके तुम्हें, बाकी तो अभी यहाँ पे मेला लगने लग रहा। हाँ क्या लेना है अब भाई? ये देखो कितनी सारी तस्वीरें लगी हुई भगवान जी की, बट नीचे नहीं लगानी चाहिए इसे, कितने का? 250 का? 250 रुपये का आए हो छोटा सा, नहीं लेती ब्रांड दो तो।
भाई मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए और मंदिर से हम पूजा वूजा करके घर आ चुके और मैं लाया वहां से श्री राम जी की एक तस्वीर, क्योंकि हमारे घर में इन वाले श्री राम जी की कोई नहीं थी, मतलब जो अभी अयोध्या में स्थापित हुए ना उनकी कोई भी तस्वीर नहीं थी, दूसरे वालों की तो मतलब जो राम परिवार है उनकी तो थी। और इन वालों को भी आज यहीं बैठा दूं, लो अब कितने बढ़िया लग रहे हैं आप दोनों साथ में, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। 250 रुपए का मम्मी ने एक छोटा सा पंखा देखा उसमें, और उस 250 रुपए के पंखे में बस मतलब उसके सामने अगर करो ना फेस तो जब ही हवा आवेगी, और पता उसमें इतना छोटा सा मोटर लग रहा है जो बच्चों की गाड़ियों में लगा हुआ है, बट जो उसकी बनावट है उसके चक्कर में वो 250 रुपए का पड़ रहा, और आई थिंक 250 रुपए का तो है नहीं। और हम वहां से लाइए छोटी सी जल चढ़ाने की लुटिया, कैसी हो रही, सही तो है, अरे कोई नहीं थोड़ी बहुत तो चले। और ये हम पता 20-20 रुपए में लाए, बस सारा सामान 20 रुपए का खुशी। ये है हमारे मेन लड्डू गोपाल जी जो सबसे पहले हमारे घर में आए थे, और हम इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करें, सब चीज सेलिब्रेट करें, और इन्हें हम लाए थे 2 अक्टूबर को, बट इनका बर्थडे आज भी है और 2 अक्टूबर को भी मनाते हैं हम। और देख लो आज सरिये कितने बड़े लग रहे हैं, और मैंने अभी इन पे फूल चढ़ाए बहुत सारे, और ये मेरी अम्मा यही इनकी देखभाल करती हैं सारी, मेरे भगवान जी जो हैं इनकी देखभाल सिर्फ सारी अम्मा करें, और अम्मा दिन रात यहीं पे रहें, इनके सामने यहीं सोवें, यहीं खावें, यहीं पिएं, सब काम यहीं भी करें अम्मा। तो भाई अब हमें दोबारा जाना पड़ रहा सामान लेने बिजली का, क्योंकि पहली बार गए थे हम तब तो दुकानें बंद थी बिल्कुल, बट अब दोबारा से जाना पड़ेगा एक बार और क्या पता इस बार खुली हुई मिल जाए। बिजली वाले भी आ चुके, इनकी वजह से ही हमें ज्यादा जल्दी जाना पड़ रहा, और अभी तो तुम्हें हालत यहाँ की कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी, बट इसे मैं बहुत जल्दी तैयार करवाऊंगा, नीचे का पोर्शन तो जल्दी तैयार करवाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मैं इतना ताम झाम नहीं है, आने जाने वाले जो गेस्ट हैं वो भी यहीं पे बैठते हैं तो उनके बैठने का भी कोई ठिकाना नहीं हो रहा अभी तो फिलहाल, तो इसे सबसे पहले रेडी करवाना पड़ेगा, और ये पाइप का बंडल बच गया ये वापसी हो गया। भाई फिलहाल तो मैं आ चुका था पापा के साथ बिजली वाली शॉप पे, और ये वाली शॉप हमें खुली हुई मिल गई थी, और यहाँ से हमने अपना सारा बिजली का सामान ले लिया था। अब इस सारे सामान को पैक करवा के बस घर जाने की दिक्कत थी, क्योंकि ये पाइप के बंडल बहुत ज्यादा लंबे थे, और भाई वजन इतना ज्यादा था सामान में पूछो मत, क्योंकि उसमें मेटल के बॉक्सेस थे। भाई सामान तो यहाँ से ले लिया सारा, बस अब दिक्कत है इस पाइप को कैसे लेके जाऊंगे, चलो इसे भी मैनेज करके घर चल दे सीधा। ये सारा सामान लेकर आगे घर, और ये हैं हमारे दो बिजली वाले मेन मिस्त्री जो यहाँ पर सारी फिटिंग करेंगे। तो भाई पूरा दिन निकल गया आज मूवी देखने में और इंगे तिंगे की बातें करने में, लगभग अभी तो 7:15 बजे और अभी तो 12 बजे 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में चांद निकलेगा, तो उसे देख के ही व्रत खुलेगा, तो देखते हैं जब तक कुछ मिलता है। तो अभी फिलहाल मेरा प्लान क्या बन रहा है कि ऊपर ममटी पे पानी चढ़ाना, क्योंकि ममटी का लेंटर अभी डला था तो उसकी तराई एक बार भी नहीं हुई, और धूप पड़ रही बहुत बढ़िया वाली, अगर उसमें कोई लीकेज वीकेज होगी ना तो भाई दिक्कत हमें ही हो जाएगी, तो उसका पानी चढ़ाने का भी इंतजाम देखना था, बट अभी फिलहाल भाग के लाइट। फिलहाल तो मैं हूँ अपनी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे, यानी कि ममटी पे जो बनवाई थी, और देखो यहाँ पे पानी भर रहा है जैसे कि मैंने बताया था, और इसका प्रेशर सही है यार, जो हमारा मोटर है ना उसका प्रेशर कुछ ढंग का नहीं है खास, और यहाँ से नज़ारा देखो कैसे दिख रहा मस्त, मजा आ रहा। उधर तो देखो बिजली कड़क रही उधर, और उधर कुछ मतलब लाइट वाइट है, कोई झाकी वाकी है। तो भाई देखो फाइनली इसमें पैरों तक मतलब पैर डूबने लायक तो पानी भर गया, और इधर साइड इसका ढलान है ना तो इधर साइड से पानी बस ओवरफ्लो होने वाला, वरना पूरी छत पे ठीक लेवल से पानी भरा हुआ, क्योंकि उधर का सारा पानी इधर से ही आएगा ना, इधर में एक मतलब एक पाइप डलेगा जो सारी छत का ओवरफ्लो का पानी नीचे, जिससे देख लो कोने से लेकर सारे कोने कोने तक सब में पानी भर दिया। यहाँ पे भी देखो पानी है, पैर डूब रहे मेरे आराम से, मतलब इतने भी नहीं और पैर हल्के हल्के से डूब रहे। और आज का व्लॉग तो मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाया, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।